बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल को जमीनी स्तर पर और कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के, इसकी तैयारी को लेकर के वो जुट गए हैं। देखिए, दो दिनों का झारखंड दौरा उनका ख़त्म हुआ और बिहार में 21 और 22 यानी आज और कल प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल को विस्तार कैसे और अच्छे तरीके से संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव को याद कीजिए तो परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा था, जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर से आगे की रणनीतियों को लेकर के जो है आगे बात होगी और प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। फिलहाल देखिए, हम पोलो रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास है ये और यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से तैयारियाँ हैं, आज से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी, हम आगे और चर्चा करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता प्रशांत कुमार मंडल है। प्रशांत जी, प्रशिक्षण शिविर आज से लग रहा है, आगे क्या रणनीतियाँ होंगी इसको लेकर? देखिए, आज दक्षिण बिहार के जितने भी ज़िले, हमारे जो पार्टी एक तरह से बिहार को दो डिवीज़न में बांट रखी है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, तो दक्षिण बिहार के जितने भी ज़िले हैं उनके सारे ज़िलों के जिलाध्यक्ष, जिला के प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है आज और कल। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, हम जो हमारा दल है, ये बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ दल है। शोषित, वंचित, गरीब, गुरबे, अकलियत, जितने भी लोग हैं जो समाज के बिल्कुल अंतिम पायदान पर जिनको ढकेल दिया गया एक षड्यंत्र के तहत, उनके अधिकारों की, उनकी लड़ाई के लिए जो एक संघर्ष है, एक जो आंदोलन है, उसका प्रतीक है राष्ट्रीय जनता दल। तो समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते रहे हैं, किए जा रहे हैं। जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, अंबेडकरवादी विचारधारा है, लोहियावादी विचारधारा है, कर्पूरीवादी विचारधारा है, लालू जी की विचारधारा है, तो इन सभी विचारधारा के प्रति जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता है, जो सम्मानित कार्यकर्ता है, वो इस विचारधारा को अच्छी तरह से समझ सकें, अपनी बातों को ग्रामीण स्तर तक, एक एक लोगों तक पहुंचा सकें, तो इसी संदर्भ में, इसी चीज़ को लेकर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर हमेशा आयोजित किए जाते हैं। अभी फिर जिस प्रकार के जो वर्तमान मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिस प्रकार से बिहार में आप देख रहे होंगे बेरोजगारी को लेकर जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, तो इन सभी ज्वलंत मुद्दों से इनको परिचित करवाना, सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार से युवाओं को परेशान कर रही है, किस प्रकार से निरंकुशता के साथ, किस प्रकार से तानाशाही के साथ वर्तमान सरकार चल रही है, तो एक गाइडलाइन, एक रूपरेखा तैयार किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि अपनी बातों को गांव देहात के सुदूर इलाकों में, अपने प्रखंडों में अच्छे से, अच्छे तरीके से, तर्क वितर्क के साथ ये रख सकें। नेता प्रतिपक्ष का झारखंड दौरा भी हुआ, वहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल को और कैसे संगठन को मजबूत करना है तमाम बातों पे चर्चा हुई, वो वहाँ मौजूद थे। आज प्रशिक्षण शिविर लगेगा, आपने बताया कि किन बातों पे चर्चा होगी, तेजस्वी यादव कब तक पहुँचेंगे और आगे किस तरह के कार्यक्रम? देखिए, आप बिहार का इतिहास देखिएगा, अविभाजित बिहार जब था तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी थी, जब बिहार का बंटवारा भी नहीं हुआ था तो हम लोगों ने अपने दम पर सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत की सरकार 95 में बनाई थी, तो झारखंड में हमारा जनाधार शुरू से रहा है। और अभी की आप परिस्थिति देखिएगा तो जो सरकार चल रही है उसमें हम गठबंधन का हिस्सा हैं, हमारे एक मंत्री भी हैं वहाँ पर, मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो झारखंड हमेशा से हमारी कर्मभूमि रही है, झारखंड में हमारा अस्तित्व रहा है, संगठन रहा है, तो उसी को और धारदार करने के लिए, उसी को और मजबूत करने के लिए ही, उसी के उद्देश्य से नेता प्रतिपक्ष झारखंड गए थे, कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को, वहां के नेताओं को और उत्साहित किया जा सके और प्रोत्साहित किया जा सके। और जैसा कि तय हुआ है, जितनी जानकारी अभी मुझे प्राप्त है, नेता प्रतिपक्ष का लगभग हर महीने दो दिन का अब प्रवास झारखंड में होगा, ऐसा शायद तय किया गया है। तो बिहार तो मजबूत हमारा है ही, जिस पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो चाहती है कि उसका अपना विस्तार हो, एक मजबूती से दूसरे प्रदेशों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके, इसी संदर्भ में उनका ये झारखंड का दौरा था और बहुत ही सफल रहा। आपने कार्यक्रम देखा होगा, जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी थी, एक प्रकार से, जिस प्रकार से बिहार सहित पूरे देश में नेता प्रतिपक्ष की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसी का प्रतिस्वरूप आपको झारखंड में भी देखने को मिला था।
बिल्कुल, देखिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा और आज और कल ये दो दिन तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा। हालांकि देखिए कार्यकर्ताओं की अब जो है आने का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। आरजेडी के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में दक्षिण बिहार के सभी जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके बाद बिहार के बाकी के अन्य जिलों के जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष को प्रशिक्षित किया जाएगा। गौरतलब हो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी घोषणा की थी कि उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए अलग अलग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर के प्रशिक्षण शिविर की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थोड़ी देर में नेता प्रतिपक्ष को भी पहुंचना है और वरिष्ठ नेता जो राजद के हैं वो यहां पहले से मौजूद हैं। बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, वो तमाम अपडेट्स आपको हम लगातार देंगे। धन्यवाद।